अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि यूएसए के सप्लायर की शीट अगर आपके पास है या यूएसए के किसी भी ब्रांड की शीट अगर आपके पास है और आपने उसे स्कैन एलिमिनेटर से कैसे स्कैन करना है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका है। सिंपली आपने सबसे पहले स्कैन एलिमिनेटर को आपने अपने लैपटॉप में लॉग इन कर लेना है, और अगर एक्सटेंशन से है या वेबसाइट से है आपने इस पर लॉग इन करना है तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो न्यू मेम्बर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पे स्कैन अनलिमिटेड को ओपन किया, यहाँ लॉग इन किया, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पे न्यू स्कैन पे क्लिक करना है सबसे पहले, और यहाँ पे उस शीट को आपने अपलोड कर देना है। इसके दो तरीके हैं, एक आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप को फॉलो करना है। अगर आपके पास शीट यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे पड़ी तो सिंपली आपने, मेरे पास अभी ये शीट है R&H सप्लायर की शीट है, ऐसे यहाँ पे आपने ड्रैग करना है और यहाँ पर आके आपने इसे ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आपने शीट पे यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं स्कैन अनलिमिटेड में। तो मैं इस शीट को USA के लिए स्कैन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं UPC पे क्लिक करूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं UK मार्केट में काम कर रहा होता और UK मार्केट के लिए शीट को स्कैन कर रहा होता तो यहाँ पे EN नंबर मैं क्लिक करता। यहाँ पर मैंने UPC को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आके आपने अगेन UPC को यहाँ पे सेलेक्ट करना है यहाँ ये। उसके बाद यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस जिस पे आपने काम कर रहे हैं उस मार्केट को, यहाँ पे US में कर रहे हैं, MX में, CA कनाडा या UK, जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे वो चूज़ करनी है। तो मैं ये यहाँ पे चूज़ करता हूँ US मार्केट, US में काम कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम जो है प्राइस का है, यहाँ आपने प्राइस जो है ऐड करनी होती है। यहाँ पे आपने प्राइस को चूज़ करना है। मेरे पास इस सप्लायर की दो प्राइस हैं, डिस्क प्राइस है, एक वेब प्राइस है, तो मैं इसको जो है डिस्क प्राइस पे क्लिक करता हूँ, इसी मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम है, यहाँ पे करेंसी का कॉलम है, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो उसकी करेंसी है। अगर आप US में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर होगा। यहाँ पे आपने इसे क्लिक करना है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर को यहाँ पे चूज़ करना है। नेक्स्ट एक एडिशनल कॉलम है, इसके बगैर भी आपकी शीट स्कैन हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी शीट जो स्कैन हो उसमें कोई एडिशनल कॉलम ऐड होना चाहिए, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, मिनिमम क्वांटिटी है, केस साइज, मतलब ये चीज़ें भी मस्ट हैं, उसमें ये कॉलम भी ऐड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी शीट जो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट की वो मस्ट है, हर प्रोडक्ट के साथ डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन है कि आपकी शीट जो है न्यू, आप यहाँ स्कैन कर रहे हैं तो न्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपके पास स्कैन जो शीट हो रही है उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और अभी जो है आपकी शीट स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगी, अपलोडिंग है। उसके बाद प्रोसेसिंग, मतलब ये कि आपकी शीट जो है स्कैन होना स्टार्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे शीट जो है R&H जो है मैंने स्कैन किया, ये यहाँ पे होगी, ये कंप्लीट होगी, स्कैन होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है शीट को और इसको डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप पे। आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, आपके सामने ये इस तरह शो होगा इंटरफेस, और आपने सिंपली यहाँ पे 3 जो डॉट्स हैं इस पर क्लिक करना है, और डाउनलोड ऑल पे ऐसे सेलेक्ट करके सबमिट, और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद इसमें आपने एक्सेल शीट में आके आपने सारे फिल्टर लगाने हैं, इंडिविजुअली सारे प्रोडक्ट को चेक करना है अमेज़ोन पे जाके, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लेनी है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।